नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मैंने काफी मारण मंत्र दिए हैं, उच्चाटन मंत्र दिए हैं और शत्रुओं का नाश करने के न जाने कितने उपाय दिए हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग जो हैं अपनी परेशानी कमेंट्स में लिखकर क्या सोचते हैं कि सिर्फ कमेंट्स में लिख देने से सब कुछ हो जाएगा। लाखों कमेंट्स ऐसी भरी पड़ी हैं जिनमें कि लिखा है कि मेरे दुश्मन को हे काली माता उठा लो, मेरे दुश्मनों का नाश कर दो। तो देखिए, भगवान की आराधना की भी विधि होती है, हर चीज़ का अपना विधान होता है। जब तक वो चीज़ उस तरह से नहीं की जाएगी तब तक आपका भला कोई भी नहीं करेगा। कम से कम अपने इष्ट को बताइए तो सही कि आपको चाहिए क्या। तो आज मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन, यूं समझ लीजिए कि बस गायब ही हो चुकी है कला, उसके बारे में समझाऊंगा और किस तरह से प्राचीन काल में जब ना कोई गोली होती थी ना बंदूक, लेकिन फिर भी लोग अपनी ईर्ष्या के चलते या फिर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया होता तो उसको कैसे सजा देते थे। तो उस समय तंत्र का बहुत बोलबाला था, ऐसे ऐसे विद्वान थे, ऐसे ऐसे तांत्रिक थे कि अगर अभी वो भारतवर्ष में हों तो हमारा भारतवर्ष दुनिया के देशों में सबसे ऊपर हो। क्योंकि पहले ऐसा ही था, नालंदा विश्वविद्यालय में दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। तो मैं देखता हूँ कि आजकल जो है कमेंट्स मेरे पास ये भरी पड़ी हैं कि मेरे दुश्मन का नाश कर दो। तो यदि ऐसा कोई है जो आपको परेशान किए हुए है, आप उसको दंडित करना चाहते हैं, चाहे कितना ही बड़ा मिनिस्टर हो, चाहे कितने ही बड़े पद पर हो, कोई पुलिस वाला हो या कोई गुंडा हो जो कि आपको परेशान कर रहा हो, आप किसी को भी देखते ही देखते सबक सिखा सकते हैं। और इस विद्या का नाम है श्राप देना। इसमें इतनी ताकत है कि खड़े खड़े पेड़ को सुखा दे, इसमें इतनी ताकत है कि आपके दुश्मन को हफ्ते भीतर चारपाई पकड़ा दे। ये एक ऐसी कला है जो बहुत प्राचीन काल से आज तक चली आ रही है, लेकिन कोई विरले ही इसका प्रयोग करता होगा। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि किसी को अगर कर्ज करना हो, किसी को अपने शब्दों से नुकसान पहुंचाना हो, अपने शब्दों को किस तरह से प्रयोग में लाएं कि जो सामने वाला है उस पर आपके शब्दों का नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इस मंत्र को कभी भी किसी का नुकसान या फिर सिर्फ टेस्ट करने के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आम जनता से छुपाई गई हैं। ये कोई महान संत ज्ञानी होगा जिसको पता होगा, अन्यथा ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं होती। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो शुद्धिकरण मंत्र सीख लीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतोपि वय स्मृत पुंडरीकाक्षां च बाह्य च भ्यांतर शुचि। जब भी आप किसी को कर्ज करें, किसी को अपने शब्दों से नुकसान पहुंचाना चाहें, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और उस पर तीन बार ये शुद्धिकरण मंत्र बोलिए। इसके बाद जब जब आप मंत्र बोले तो उसके बाद पहला जो जल होगा वो आप पी लीजिएगा अपनी हथेली पे रख के, दूसरा अपने ऊपर छिड़किए और तीसरा, जब तीसरी बार आप ये मंत्र बोले तो अपने आसपास छिड़क दीजिएगा। और जब तक ये मंत्र आप बोलें
तब तक आपके आसपास वो पानी होना चाहिए, अन्यथा उसका श्राप जो है वो, उसके नेगेटिव प्रभाव जो है वो आप पर भी लग सकते हैं। तो ये रक्षा कवच होता है, इसको आप जब कर लें उसके बाद में जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इसको 3 बार जपना है। 3 बार जपने के बाद आपको अपनी मंशा स्पष्ट करनी है, और ये सब उस जो आपका शत्रु है उसके सामने करना है। अगर सामने नहीं हो पाता तो आपको कहीं छुप कर ये करना है। वीरभद्राय महारौद्राय ज्वाला मलिन फट, मंत्र एक बार फिर से, वीरभद्राय महारौद्राय ज्वाला मलिन फट, ये मंत्र आपको 3 बार बोलकर वो जो भी आपका साध्य व्यक्ति है, जिसको भी आप नुकसान पहुंचाना चाहते हो, जिस पर भी आप कर्ज करना चाहते हो, उसको देखते हुए ये मंत्र 3 बार बोलकर आपको अपना मनोरथ स्पष्ट करना है। आप कुछ इस तरह कह सकते हैं, आज इस समय मैं तुझे श्राप देता हूं, अब मैं यहां बोल भी नहीं सकता, आप कुछ भी यहां पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहां पर कहूंगा तो ये जो सुनने वाले हैं इन पर लग जाएगा, तो आप अपने आप कर लीजिएगा, यहां पर जो भी आप भरना चाहें वो भर लीजिए। तो इस तरह से आपको श्राप देना है। अब क्या है कि जब आप ये श्राप दें उससे पहले ये जान लें कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर मैंने भूल से किसी को भी श्राप दे दिया तो यूं समझिए ये एक वाण की तरह जाएगा, इसको वापस नहीं बुलाया जा सकता। एक बार छोड़ दिया मतलब ये उसका नुकसान करेगा, ये आप समझ लीजिए। तो क्या होता है कि जब भी आप ये करें तो उससे पहले 100 बार अपने से क्वेश्चन कीजिए, उस आदमी को एक बार देखिए, क्या इतना बड़ा स्टेप ज़रूरी है उसके लिए, क्या बातों से काम नहीं चलाया जा सकता। ये तब कीजिएगा जब आप सारे रास्ते आजमा कर देख चुके हों लेकिन बस एक यही रास्ता हो। जब आखिर में आपको दिखे कि वो नहीं मान रहा है तब आपको ये वाण चला देना है, और इसका काट मैं बताऊं आपको किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं। ये एक बार लग गया मतलब गांव के गांव उजड़ जाते हैं इससे। एक रात में गांव का गांव उजाड़ सकता है ये मंत्र। इसको प्रयोग में लाने से पहले 1000 बार सोचिएगा, किसी का अनिष्ट ना कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये चीज़ें जो हैं बैकफायर भी कर देती हैं। आप लगा तो किसी और कर रहे होते हो लेकिन खुद के लग जाता है। तो पहले इसका अच्छे से अध्ययन करें उसके बाद किसी को श्राप दें, क्योंकि सबसे पहले मन की शुद्धि होती है। अगर आपने आवेश में आकर किसी को श्राप दे दिया तो उसके नकारात्मक प्रभाव के लिए आप तैयार रहिएगा। जब भी कभी श्राप दें तो आपको लाख बार सोचना होता है कि क्या कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि हमारी सुलह हो जाए, या कुछ और मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। बट लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि इसको ना इस्तेमाल में लाएं, लेकिन फिर भी अगर आप ला रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। अब इस मंत्र के प्रभाव में आपको बताता हूं क्या क्या हो सकते हैं। अगर ये मंत्र आपने किसी पे लगा दिया तो जो सामने वाला है वो अपाहिज हो सकता है, सामने वाला लूला लंगड़ा हो सकता है, सामने वाला बिस्तर पकड़ सकता है। और यदि आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा पावरफुल हुई, मतलब कि बहुत आवेश हो आपके अंदर कि बस आपको बंदे को ख़त्म ही करना है, तो सामने वाला जो है वो नष्ट भी हो सकता है।
डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देंगे और उनको चीज ही समझ में नहीं आएगी कि उसको हुआ क्या है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि पूरे का पूरा खानदान ही खत्म हो जाता है। कुछ गांव ऐसे भी हैं बहुत पुराने जमाने के जिन पर कि ये मंत्र लगाया गया था और आज वहां लोग जाने से भी डरते हैं। तो बनाने में जो है समय लगता है, उजाड़ने में नहीं। तो क्रिएशन पर ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रक्शन पे नहीं। कोई चीज़ बनाने में आप देखेंगे तो लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन उसको उजाड़ने में कुछ ही समय लगता है। तो मेरा मानना यही है कि प्यार से रहें और ऐसे मंत्रों का प्रयोग ना करें, लेकिन जब जान पर बनाएं तो चूकिएगा नहीं। अगर जान पे बना रखी है तो आप इसका प्रयोग आँख मूंद के कर सकते हैं। धन्यवाद।